अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल्स। मियां स्नैनर फ्रॉम कारिडार, और आज हम लोग ट्यूसॉन का रिव्यू करने आए हैं। स्टार्टिंग ऑफ द एक्सटीरियर, आप इसकी लाइट्स देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत एलईडी हेडलैम्प्स दिए हैं विद डीआरएल्स। नीचे भी ये इसकी एलईडीज चलती हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। इसकी सिग्नेचर हुंडई की क्रोम की ग्रिल है। अगर आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखें तो बहुत ही एलिगेंट इन्होंने इसकी शेप बनाई है। मूविंग ऑन टू द टायर्स, इसमें 18 इंचज़ के एलॉयज आते हैं, जो ऑनेस्टली मुझे स्पोर्टेज से बेहतर इसका डिज़ाइन लगा है। यहाँ पे आपको साइड पे इंडिकेटर्स नज़र आते हैं। इट कम्स विद अ स्मार्ट की, दोनों तरफ से इसकी एंट्री होती है। मूविंग ऑन टू द टेल, अगर टेल की बात करें तो मेरे ओपिनियन में स्पोर्टेज की ज़्यादा बेहतर शेप मुझे लगती है। यहाँ पे आपको उसको एच ट्रैक का एम्बलम मिलता है, ये ट्यूसॉन का मोनोग्राम है। यहाँ से आप इसकी ओवरऑल एक्सटीरियर देख सकते हैं, दिस इज़ प्रीटी नाइस। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंटीरियर। दिस कार कम्स विद अ स्मार्ट की, ये आप इसकी एंट्री देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें, इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं विद लंबर सपोर्ट, जिस तरह की स्पोर्टेज भी आपको मिलती है। यहाँ पे आपको इसकी सिल प्लेट मिलेगी ट्यूसॉन की। यहाँ पे आपको पावर विंडोज देखने को मिलती हैं। अगर आप अंदर की तरफ चलें, ये आप इसका ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये 10 इंच की बड़ी सी एलसीडी देखने को मिलती है, जो स्पोर्टेज में नहीं है। यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं। ये इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्रूज़ का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये आपके ब्लूटूथ के कमांड्स हैं, और ये राइट साइड पर बेसिकली आपकी ब्राइटनेस कंट्रोल और ये आपका डिफ लॉक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। अगर हम इसका मीटर देखें तो ये आपको बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन क्लस्टर मिलता है, बिल्कुल स्पोर्टेज की तरह। आप लाइट्स वगैरह एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर। या आप इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स देख सकते हैं, जो कि इस इंफोटेनमेंट से कनेक्टेड हैं। ये बेसिकली इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें 10 इंचज़ की फ्लोटिंग एलसीडी आपको देखने को मिलती है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जिस तरह आपको स्पोर्टेज भी मिलता है। बट प्लस पॉइंट यही है कि ये 10 इंचज़ की है। यहाँ पर आपको इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं, वेंटिलेशन के साथ आती है ये। ये भी बड़ा खूबसूरत सा इंटीरियर है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के पोर्ट्स मिलते हैं। ये इसकी ट्रांसमिशन है, कम्स विद ट्रिप्टॉनिक। ये इसकी इलेक्ट्रिक ब्रेक है, और ये इसका हिल डिसेंट कंट्रोल है। यहाँ पे आपको एस्ट्रे में देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखें, इसका डैश भी काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पर ये इसका इन्होंने एक वेंट दे दी, जिसको ये कूल बॉक्स कह रहे हैं, बट एक्चुअली ये सिर्फ एक वेंट है, जिस तरह फॉर्चूनर में भी आता है। इट्स नॉट एन एक्चुअल कूल बॉक्स। सो दिस इज़ दी ओवरऑल इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो यहाँ पे हमें लाइट्स देखने को मिलती हैं, और इसकी पैनोरामिक रूफ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका टोटल पैनोरामिक रूफ जाता है, बिल्कुल स्पोर्टेज की तरह। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी बैक रो ऑफ दिस कार। अभी हमने इसकी अगली वाली सीट पूरी पीछे की हुई है। यहाँ से आप इसका ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं, बहुत ही इन्होंने मॉडर्न इंटीरियर बनाया है। बट ये लोगों पे अब डिपेंड करता है कि वो स्पोर्टेज का इंटीरियर ज़्यादा पसंद करेंगे या ट्यूसॉन का। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, जिस तरह आपको स्पोर्टेज में मिलता है, यहाँ पे भी आपको एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल द इंटीरियर इज़ नाइस। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रीडिंग लाइट्स देखने को मिलती है, जिसकी पोजिशन थोड़ी बहुत ऑकवर्ड है। स्पोर्टेज में थोड़ी सी बैक पे होती है, यहाँ पे जरा इन्होंने फ्रंट पे कर दिया, बट स्टिल इट्स प्रैक्टिकल। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बूट ऑफ दिस कार। इस तरह के ये फुली लोडेड वर्जन है, तो इसमें भी ऑटोमेटिक टेल गेट आता है। अब इसकी ये मेमोरी यहाँ पे इन्होंने सेट की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे रुक गया है। यहाँ पे आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है। सो ट्रंक में आपको मेमोरी की ऑप्शन मिलती है, जिस तरह स्पोर्टेज में भी दी गई है। यहाँ आप इसका बटन देख सकते हैं, यहाँ से आप इसकी मेमोरी सेट कर सकते हैं। अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो आप इसको, इसकी पोजीशनिंग जो है वो आप सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी ओवरऑल ट्रंक ऑफ दिस कार। आप इस, आपको कवर मिलता है देखने को। दी ओवरऑल बूट कैपेसिटी इज़ 459 लीटर्स, विच इज़ मोर देन इनफ। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टेल गेट आपको इसमें मिलता है। सो गाइज, ये था आज का एक क्विक सा ओवरव्यू अबाउट दी हुंडई ट्यूसॉन। जब ये गाड़ी रोड्स पे आएगी तो हम इसकी टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी ज़रूर लेके आएंगे।
तो ये अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि स्पोर्टेज ज़्यादा पसंद आती है या फिर टीसॉन। थैंक्स टू हुंडई एयरपोर्ट जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने दी, और हम इनकी बाकी कुछ गाड़ियाँ भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब एट द मोमेंट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।